अब प्रश्न आता है कि प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ही पूछ लिया, बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, सशर्त अंतरण को समझाइए, एक्सप्लेन द कंडीशनल ट्रांसफर, तब आपको टीपी में दी हुई समस्त कंडीशंस के बारे में चर्चा करनी है कि ये शर्तें लगाई जा सकती हैं, ये शर्तें नहीं लगाई जा सकती, तीनों में डिवाइड करके ये शर्तें, तब आपका आंसर परफेक्ट है। और भी आ सकता है, ऐसा कोई उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए जिसमें शर्त शून्य हो लेकिन अंतरण वैध हो। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, कंडीशन इज वॉइड बट ट्रांसफर इज वैलिड। तो फिर आपको ऐसे उदाहरण और ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे। आजकल क्या होता है, क्वेश्चन पुराने ही रिपीट हो ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल नया क्वेश्चन बना देते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर बार बनाया जा सकता है नया। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कुछ भी पूछो ना, मन करे वहां से पूछो, उल्टा टेढ़ा सीधा कैसा भी क्वेश्चन बना लो, क्या पूछ सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। हाँ, उत्तर आंसर आप कैसा लिखें कि नंबर ज्यादा आए, वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है उसका। टीचर कितना ही बता दे ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए, तो कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, जैसे भाई साफ सुथरा लिखो, पैराग्राफ में ऐसे शुरू करो ऐसे बंद करो, ये सब चीजें बताई जा सकती हैं, लेकिन ये फिर भी तब तक नहीं आ सकता जब तक आपका अभ्यास नहीं है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहूँ आपको सिखाऊं साइकिल चलाना यहाँ कमरे में बैठ के, और आपने कभी साइकिल नहीं चलाई, और नीचे जाके कह दीजिए ले जी साइकिल चलाओ, तो साइकिल कैसे चलेगी जब आप बैठेंगे पैडल मारेंगे एक आध बार गिरेंगे। ऐसे ही अच्छे आंसर कैसे लिखे जाएंगे जब आप क्लास में जो कुछ भी आपको पढ़ा दिया फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देने का कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं। अब आप देखो कितने ज्यादा पेपर बनाए, 46 पेपर बनाए, वो उन पेपर्स में अलग-अलग कुछ पुराने कुछ नए कुछ हमारे द्वारा बनाए हुए ऐसे क्वेश्चंस को रखा, क्यों रखे इतने। मैं तो कहता हूं बल्कि 100 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन करना तब चाहिए जब आप तैयार हैं। अब आप तैयार ही नहीं है, पेपर तैयार नहीं हुआ, पेपर लेके बैठ गए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मैंने कहा ठीक है, टेस्ट सीरीज बताओ आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छे से तैयार है। फिर हम उन्हें कुछ पूछते हैं तो वो सब्जेक्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, वो सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज से टेस्ट देने से हम पास हो जाएंगे, वो गलत तरीका है, टेस्ट देने से पास नहीं होंगे, वो कभी भी पास नहीं होंगे। आपका सब्जेक्ट परफेक्शन में लाओ, फिर उत्तर आप कैसे देते हैं इस चीज को सुधारने की प्रक्रिया टेस्ट पेपर है। उत्तर तो आप दे ही देते हैं, किसी को कोई चीज पूछी जाए तो दे देगा उत्तर, वो कहीं से भी शुरू कर देगा, लेकिन अच्छा उत्तर लिखने के लिए पहले कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज, और लास्ट में क्या, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। चाहे मैं कितना भी लिखा दूं आपको, इवन आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं उससे भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो आपने रटा क्वेश्चन बदल सकता है और आप उसकी सीक्वेंस को भूल सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है तो आप नहीं भूलेंगे। जब चाहेंगे जब सिस्टमेटिक तरीके से आप बता सकेंगे। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है,
जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि सर मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। अब शुरुआत आप कहां से कर रहे हैं, हरियाणा का रहने वाला हूं, गलत ये भी नहीं है। हरियाणा में मेरे पिताजी क्या खेती करते हैं, पिताजी का नाम ये है, और सबसे लास्ट में अपना नाम बताएं। अब इसमें गलत तो कुछ हुआ नहीं ना, लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरी तरीके से बताया, सर मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, और ये मेरे घर में व्यवसाय है, मेरी पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें। तो आपने क्या एक सीक्वेंस बनाई, यही अच्छे उत्तर और बुरे उत्तर में अंतर होता है। उत्तर तो दोनों के सही होते हैं, पर सिस्टमेटिक सीक्वेंस नहीं होती है। और जिनकी सिस्टमेटिक सीक्वेंस नहीं होती है, एग्जामिनर उन्हें नंबर कम देता है। नंबर तो उनके भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि जीरो आता है, और पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता। सिलेबस पूरा पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं आता, आपको लगेगा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका उत्तर आप दे के आएंगे, ऐसा कोई हिडन क्वेश्चन नहीं आता। फिर वहां दौड़ हो जाती है इस बात की कि बेहतर बेहतर कैसे लिखोगे। एक बार आपको अभ्यास आ गया, जैसे हमने आपको अभ्यास कराया आपको कि आप अपना परिचय दीजिए, तो एक बार मैंने परिचय बताया, फिर आपने उसी चीज को रिपीट करना शुरू किया। आप मेरे से बताए हुए परिचय से भी बेहतर परिचय आप अपना बता सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने यदि आपको कोई आंसर लिखना बताया है कि ये आप आंसर लिख लीजिए, उससे भी कहीं बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं, उससे भी बेहतर आंसर लिख सकते हैं। लेकिन लिखा कैसे जाएगा, अभ्यास से। खूब कराएंगे अभ्यास हम आपको, जिन जिन के जो जो सब्जेक्ट पूरे होते जा रहे हैं, जैसे अभी ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हुआ, तो हमने कहा है उनको कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर मत लो, जैसे 2 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन का, छोटे छोटे पेपर्स लेना शुरू करो, फिर उन्हें चेक करो, फिर लो, फिर उन्हें चेक करो, फिर लो, बार बार करो, और फिर आपको एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे आप कि कभी भी ले लो और आप अच्छा आंसर लिख पाए। सफलता का एक बड़ा मूल मंत्र है बार 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 अभ्यास करना, मुख्य परीक्षा के आंसर्स लिखने का। लेकिन कब, यही बात कुछ ऐसे विद्यार्थी सुन रहे हैं जिन्होंने अभी कोई कुछ पढ़ा नहीं है, तो बस अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सीख दिए सब, वो गलत लिखते रहेंगे, गलत का ही अभ्यास कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही सब्जेक्ट परफेक्शन में आ जाए, जैसे भी जस्ट नाउ आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना चाहिए। अभी सर ने कहा आपको तैयार कर लीजिए, आप तैयार कर रहे हो, फिर वो क्वेश्चंस को लिखवाएंगे, फिर हम कॉपी चेक करेंगे, तो आपने चीजों को कैसे कैसे बताना प्रारंभ किया है, पहले ये बात आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए। और जब हम यहाँ कॉपी डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो आपको पता लग जाएगा, और 2-5 बार पता लगने पर यदि एक सब्जेक्ट में आपको ये पारंगतता आ गई है, तो दूसरे सब्जेक्ट में स्वतः आ जाएगी, तीसरे सब्जेक्ट में और स्वतः आ जाएगी, फिर आप तत्काल समझते जाएंगे मेरे को ऐसे चीजों को एक्सप्लेन करना है।